अब तक आपने देखा? प्रियोम ने शादी का झूठ क्यों बोला हम नहीं जानते, लेकिन अगर अब भी आपको हम पे यकीन नहीं है बोलो दबा दीजिए, लेकिन अब हम और भी बेवफा होने का इल्जाम नहीं सहेंगे। बहुत अरसे बाद आया हम इस बेगुसराय में, हमें ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी चीज है जो बदल गई है, अब जिसे नहीं बदलना चाहिए था। पूरा परिवार के सामने हम फरमान देता हूं, पूरे बेगूसराय के हर मर्द के सामने तू रोज शाम को नाचेगी। हम कह दिया, फाइनल फाइनल। अब देखिए आगे। छोटे मुंह बड़ी बात करने के लिए माफी चाहते हैं, इन किसी भी औरत के साथ ऐसा सलूक करना ठीक नहीं है। और किसी भी राह चलती लौंडिया को अपने कमरे में लाकर बिठा देना और समाज से ये कहना कि ये मेरी पत्नी है, ये ठीक है? ठाकुरन की हवेली है, कौनो कोठा नहीं है। बेगूसराय के दो कानून नहीं हो सकते, एक ही कानून रहेगा। बहुबली के लिए वो और आम आदमी के लिए भी वही। धौलिया पर्वतिया, इसका मंगल सूत्र निकाल लिया जाए और ठाकुर को वरगलाकर ये जो मांग में नापाक सिंदूर भरा है इसे अभी मिटा दिया जाए, इसे उठाकर हवेली से बाहर अभी फेंक दिया जाए। बाहर फाइट दो। आप सबको सबूत चाहिए ना हमारी शादी का? हम देते हैं सबूत।
प्रियोम बुलंद ठाकुर अग्नि को साक्षी मानकर विंध्या को ये वचन देते मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते खुद चाहे भूते राजा लेकिन तुम्हारा पेट भरेंगे जान है तुम्हारी इज्जत की रक्षा करेंगे जीवन में कभी तुम्हें आर्थिक कमी महसूस नहीं होने देंगे हम तुम्हें हमेशा खुश रखेंगे बिंदिया हम तुम्हें वचन देते हैं कि जब भी हमारे बच्चे उन्हें कोई भी दुख छू नहीं पाएगा आजीवन तुम्हारा दोस्त तुम्हारा सच्चा साथी बनकर बिताएंगे तुम्हारे साथ सुख देंगे तुम्हें जीवन हम तुम्हें तन मन धन से अपनी पत्नी स्वीकार करते और आज से हमारी पत्नी होने का हर गौरव और इस परिवार की बहू होने का हर सम्मान मिलेगा
हो गए थिरे। पहना दिया मंगलसूत्र। और अब आप सब हमारी शादी के गवाह हैं। अब अगर किसी ने हमारी पत्नी का अनादर किया तो हम तो उसे हम कभी माफ नहीं करेंगे। हमको बेइज्जत करके इस घर से निकलवाना चाहती थी ना? अब तुम उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। 2 हफ्ते, 2 हफ्तों में अगर हमने तुमको इस घर से नहीं निकाला तो हमारा भी नाम विंध्या प्रियोम ठाकुर नहीं, कसम लेते। जेठ जी, ओ जेठ जी, हमें तो लगा आप हमारे एक ही बार बुलाने पर रुक जाएंगे, लेकिन आप तो मुंह फेर के जा रहे हैं। हमारा इस घर के साथ रिश्ता भी हो गया। प्रियोम बाबू ने सबके सामने साबित तो कर दिया ना? तो क्या करें? आशीर्वाद दीजिए, हमको आपका आशीर्वाद चाहिए। और रुका है? क्योंकि इस घर में कोई है जो हमारा रिश्ता हमारे पति के साथ तोड़वाना चाहता है। हमरे और हमरे पति के बीच में गलत फहमी पैदा करना चाहता है, क्योंकि वो हमारे पति को ना अपना समझता है। अगर आपका आशीर्वाद मिलेगा तो हम उस आदमी को रोक कर अपना रिश्ता बचा पाएंगे। अगर हमरा और हमरे पति का रिश्ता बचा तो ही तो आपका रिश्ता बचेगा। इसलिए हम दोनों के रिश्ते के लिए आपको आशीर्वाद तो देना पड़ेगा। आशीर्वाद दीजिए। चली हो जो आग भड़का है ना हमारे बेटे के दिमाग में, अब उसी आग में चलेगी हमारी दुल्हनिया। समझ नहीं आ रहा है कि किस पे विश्वास कर, आंखों देखी पे या अतीत पे। प्रियोम बिंदिया की शादी सच्ची है कि जो पूनम कह रही है वो? लाखन ठाकुर, आपसे कुछ बात करनी। बात करने के लिए
दो लोगों का होना जरूरी है ठाकुराई। हम जा रहे हैं। जो कुछ भी हो आप बात का गलत मतलब क्यों निकाल रहे? तो तुम सही मतलब समझा दो हमको कि त्रियोम और बिंदिया की शादी काहे तोड़ना चाहती हो। क्या हुआ? शर्म आ रहा है? हम समझाते हैं तुमको, तुम त्रियोम और बिंदिया की शादी सिर्फ इसलिए तोड़ना चाहती हो ताकि त्रियोम जीवन भर तुम्हारा बन के रहे। बात अभी खत्म नहीं हुआ है। आप इसे बात करना कहते हैं? आपके लिए बात करना होगा लेकिन हमारे लिए हम पर लांछन लगाना है। हम आपसे जितनी बार भी कहें लेकिन आप वही सोचेंगे जो आप सोचना चाहते हैं। ये हम आपसे पहले भी कह चुके कि अब और अग्नि परीक्षा नहीं देंगे, नहीं देंगे। दुलाहिन, अभी तो आसपास कोनो है भी नहीं। सच सच बताना है, प्रियोम के साथ तुम्हारी शादी जो है वो हुई नहीं थी का? है? आपको क्या लगता है? अरे हमको क्या लगता है, पूनम जैसी भी है, जानती हो ये बिना बात का बवंडर मचाने वाली लड़की तो है ना। अच्छा, आपको कब से पूनम सही लगने लगी? और अगर पूनम आपको इतनी सही लग रही है तो जाइए ना उसी कमरे में, जाइए। मेरे कमरे में क्या कर रही है? जाइए उसकी सेवा कीजिए, यहाँ मेरे आगे पीछे क्यों घूम रही है? जाइए, वही आपका घर दिलाएगी, आपका हक दिलाएगी और आपकी चाबियां दिलाएगी। यहाँ से जाइए। अरे तुम ही ना दुल्हन, बिना बात का गुस्सा कर देती हो। हम तो ऐसे ही ऐसे ही पूनम ऐसे ही हमारा तमाशा बनाती रहती है। आज पूरे घर के सामने उसने हमारा तमाशा बना दिया लेकिन वो भूल गई कि नौटंकी करना हमारा पेशा है। अब हम कल सुबह तक ऐसा नौटंकी करेंगे कि जिन हाथों से उस दत्ता जी, जिन्होंने इतने प्यार से उसके सर पे नोटों के बंडल वारे थे ना, उसी हाथों से वो उस पूनम को घर से धक्के मार के निकाल देगा।